नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम बच्चों का कैप बनाना सीख रहे हैं और इसमें हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग की है। इस वीडियो में हम आपको सिलाई करना सिखाएंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे तीन पार्ट्स। ये तीनों पार्ट्स के बारे में एक एक करके मैम उसके बारे में बताएंगी वो क्या क्या चीज़ के हैं, ताकि आप इसके साथ फैमिलियर हो जाएं और फिर इसकी सिलाई करना सिखाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें। ठीक है, ये देखो पहले हमने ये पहला पीस कटिंग किया था जो फोल्ड में हमने पहले ऐसा दिखाया था आपको। ये एक पीस है, फिर ये दूसरा आगे नेफा लगाने के सर की पट्टी लगाने के लिए बोलते हो ये पीस है, और तीसरा जो पीस है हमने ये 1.5 इंच की चौड़ाई में लिया है और इसकी लंबाई ये पट्टी से 2 या 3 इंच हम ज्यादा रखेंगे। थोड़ा ज्यादा रखा तो भी चलेगा क्योंकि उसकी हमें नॉट डालनी है। तो ये तीन पट्टी हमने पहले बना लिए। हाँ, ये नाड़े के लिए काम करता है और ये सर के आगे की तरफ की पट्टी आती है, इसलिए ये पट्टी छोटी है, ये ज्यादा लंबी है, इसकी हम नॉट नाड़ी बनाएंगे। इसकी एक सवाल है, उस वाले कपड़े को जिसका नाड़ा बनाने वाले है उसका कोना ऐसा तिरछा क्यों? तो ये क्रॉस में भी पट्टी हम काट सकते हैं। कब हमारे पास अगर कपड़ा ज्यादा है तो हम क्रॉस में काटेंगे, क्योंकि क्रॉस में काटते समय कपड़ा ज्यादा लगता है। नहीं तो हमने अगर सीधी भी पट्टी इसी तरह से सीधी भी पट्टी काटी तो भी चलती है। जैसा भी मुमकिन हो वो दो ये पट्टी हम इससे थोड़ा ज्यादा काटेंगे, चाहे क्रॉस में हो या चाहे खड़े में हो। ठीक है, अभी हम देखो सिलाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। पहले ये हम अंदर की तरफ का कपड़ा हमने लिया, वो हमने नीचे रख दिया। ये देखो, ये अंदर का जो कपड़ा रहता है उस पर जो हमने मार्किंग किया है, अगर आपको दिखाई देता है तो व्हाइट कलर से हमने मार्किंग करके रखा था, वो कपड़ा हम नीचे की तरफ रखेंगे। ये नीचे की तरफ रखने के बाद इस पर भी जो हम कपड़ा सिलाई करते समय मार्किंग कर लेते हैं, तो ये हमारा बाहर का कपड़ा है, तो ये बाहर का कपड़े का पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे इस तरफ कोने पे इसके। और यहाँ सिलाई करने के लिए हम जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा 1 इंच या 1.5 इंच तक हम सीधा सिलाई करेंगे। बाद में हमें ये इसका पॉइंट जो लिया था हमने मध्य लिया था ये कपड़े का और ये कपड़े का नीचे की पट्टी का, ये दोनों हमें ऐसे ज्वाइन करने हैं इस जगह पे। अच्छा, जो पहले हमने हाँ, खाचा काटा हुआ है। पहला खाचा काटा है ये पार्ट का, पहले पार्ट का और दूसरी पट्टी का, वो बराबर हम मिडल को मिडल लगा देंगे, ताकि अभी ये जो कपड़ा बचा है नीचे की पट्टी उस पर ये जो पूरा इतना कपड़ा है इस पर हम चूनट डाल के बराबर उसको वही साइज पे बना देंगे। अभी हम चूनट डालना शुरू करेंगे। ये देखो, चूनट डालते समय हम ऐसा कपड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे तो अच्छा दिखेगा। अगर बड़ी प्लेट ली तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो छोटी छोटी प्लेट लेके हम कपड़ा पूरा कर देते हैं। यहाँ जो प्लेट के कारण साइज छोटा नहीं हो, कम नहीं हो जाएगा? तो छोटा ही हमें लेना है क्योंकि ये सर के आगे की तरफ आएगा। अच्छा। और ये जो पूरा कपड़ा है ये हमारे सर के पीछे तरफ जाएगा, तो आगे की तरफ से हमें थोड़ा टाइट होना चाहिए, पीछे की तरफ हमें लूज, तो वो बैठने में बराबर। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है कि कितना इसको कितनी गहरी प्लेट लेनी है या नहीं? छोटी प्लेट मतलब ऐसी 1.5 इंच की प्लेट लेती है तो अच्छा है। अच्छा। ज्यादा बड़ी बड़ी अगर ऐसी 2-2 इंच की प्लेट ली तो वो 2 ही प्लेट बैठ जाएगी, वो ज्यादा फूलेगा नहीं कपड़ा, इसलिए हम छोटी छोटी प्लेट लेते हैं। अगर हम प्लेट नहीं डालते हैं, किसी को अगर प्लेट डालने में दिक्कत है तो हम एक रनिंग स्टिच ये कपड़े को पूरा राउंड लगा के पहले डाल देते हैं और फिर वो धागा खींच के इस नाप से हम बना सकते हैं प्लेट। दोस्तों आप शायद देखने में अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए इस तरीके से। हाँ, ये बराबर हो गए। नहीं तो हम यहाँ से पूरा यहाँ तक पहले इसी कपड़े को एक रनिंग स्टिच डाल देंगे, फिर यहाँ से सिलाई करते समय सेंटर को सेंटर लगा के फिर वो जो रनिंग की ऐसी चूनट आ जाएगी वो एडजस्ट करके भी हम इस पर सिलाई डाल सकते हैं। अभी ये बचा हुआ बाकी का कपड़ा भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, ये इधर की जो चूनट बनाते हुए स्टिच करना है। हाँ दोस्तों, ये प्लेट देखिए आप, ये बनते जा रही है, ये प्लेट्स, ये चुन्नटें आपको दिख रही हैं और मैडम आगे उसको सिलाई करते हुए चुन्नटें भी बनाती है। हाँ। ये पूरी जहां तक वो पट्टी खत्म होती है वहां तक हमें ये चुन्नट डालनी है।
इसलिए उसका सेंटर पॉइंट मिला, सेंटर पॉइंट मिला दिया। हर बार हमें यही देखना चाहिए कि सेंटर का मतलब हम वो कपड़ा उधर ही हमें खत्म करना है, ना कि कहीं आगे पीछे, क्योंकि फिर वो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं दिखता दिखने में। इसलिए हमें ये यही पे, अगर आपको ये ऐसा तकलीफ होती है तो वो रनिंग स्टिच डाल के भी कर सकते हैं। ये देखो अभी ये लास्ट प्लेट मेरी आ गई, यहाँ एक इंच बच गया, तो ये बराबर हमारा पहले के जैसा। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है, नहीं नहीं बचा हुआ मतलब अच्छा। यहाँ लास्ट एक इंच पे और यहाँ भी हमने एक प्लेट नहीं डाली थी, अभी इसके बाद हम निकाल लेंगे इसको। देखो अभी ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा उस... पिन निकाल देंगे। हाँ अभी पिन निकाल देंगे इसकी, क्योंकि हमने वो पहले लगा दी थी दोस्तों, यहाँ से वो पिन निकाल दी। हाँ और ये देखो अभी ये हो गया, अभी ये अंदर से अगर ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, इसलिए यही कपड़ा हम थोड़ा पहले फोल्ड कर लेते हैं 5 इंच और इसके ऊपर रख के हम दूसरी सिलाई डाल देंगे, ताकि हमारा ये जो अंदर का जो कपड़े की स्टिच है वो नहीं दिखेगी। हम ऐसा डाल के एक ऊपर से पूरी सिलाई डाल देंगे, डबल सिलाई भी हो जाएगी, डबल सिलाई हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ फिर लेस भी लगा सकते हो कोई भी, या कुछ फ्रिल जैसा लगा सकते हो, वो आपके पसंद अनुसार आप लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ एक स्टिच डाल देती हूँ इसको, और ये भी हम किनार से डालेंगे। ये जो स्टिच है ये बिल्कुल आपके, हाँ वो जो अंदर की सिलाई है वो हमें दिखनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर रख के हम दूसरी सिलाई डाल देते हैं। इसको फिर फोल्ड किया है, फिर आगे फोल्ड करके ये हमने पहले जैसी पूरी पट्टी लगा दी है उसको। ये सिलाई, और ये हो गई हमारी, ये देखो ये आगे की तरफ पहनने के बाद यहाँ से हमारा सर बाहर आएगा, okay. इधर से बाहर रखा, ये पीछे की तरफ आ गई। और यहाँ अभी देखो, यहाँ भी हमने एक सेंटर पॉइंट के लिए मार्किंग किया है। अभी ये पट्टी लगाते समय हम ऐसा रखेंगे, ये जो हमने पट्टी काटी है, ये पट्टी काटते समय भी हम ऐसा ही करेंगे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हम दोनों एक साथ ले लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो पट्टी है इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ जो हमने काट के रखा हुआ था उसका सेंटर पॉइंट दोनों को बराबर होने चाहिए, मिला देंगे। ये हम इसलिए मिलाते हैं कि ये नाड़ी भी बराबर दोनों तरफ एक जैसी हो। अगर आप नहीं करते तो ठीक है, तो एक बाजू से थोड़ी नाड़ी कम ज्यादा उसकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखिए कि हम सेंटर पॉइंट ज्यादा मिला के ही लेके, क्योंकि एक साथ दोनों अच्छा दिखेगा। ये देखो अच्छा, वो पिन लगा, पिन लगा के रखे है मैंने, ताकि ये यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है। अभी देखो स्टार्ट करते समय मैं मुझे यहाँ एक चूनट डालनी है, तो पहले से ही अगर मैं यहाँ पकड़ के ऐसा चूनट ले लेती हूँ, ये देखो ये ऐसा चूनट मैंने डाल दिया, और फिर मैं ऐसा देखती हूँ कि हाँ ये मेरा कपड़ा यहाँ तक आ गया, तो ये ठीक है, ये चूनट ठीक है, तो फिर अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। बीच में हमने एक, अच्छा पीछे भी एक ही, पीछे पीछे हाँ एक या बिल्कुल छोटी छोटी दो ऐसी चूनट हम ये सेंटर पॉइंट पे डालेंगे। ये देखो एक ही, या चाहे तो दो छोटी सी, लेकिन छोटी डालनी है प्लेट, ज्यादा सेंटर पॉइंट पे ही दो चूनट हमें डालनी है। और ये देखो छोटी छोटी दो प्लेट मैंने डाल दी, ये दोनों कपड़े एक साथ हमारे हैं ऊपर नीचे का, और अभी हम इसको सिलाई डाल देते हैं। देखो सेम ऐसा ही हम इस तरफ दो छोटी चूनट डालेंगे, और ये नीचे वाली पट्टी को इसके साथ साधा सीधा लेना है, वो उसको कुछ प्लेट वगैरह नहीं आनी चाहिए। एक प्लेट मैंने डाल दी, अभी मैं दूसरी प्लेट डाल देती हूँ। ये देखो ये मैंने दूसरी भी प्लेट डाल दी, पीछे चार प्लेट हो गई। हाँ पीछे चार छोटी छोटी चार प्लेट हो गई। अभी ये सेम मैं यहाँ तक सिलाई करके लेती हूँ। हाँ ये पहले से ही हमने पट्टी लगाई है ना, तो ये यहाँ लॉक हो गया, फिर वो दिखेगा नहीं। अभी हम इसका ही
वो नाड़ा बना देंगे। ये देखो ये पट्टी लगा के हम नीचे से कुछ नहीं प्लेट, ऊपर से प्लेट आ गई है, ऊपर से चार छोटी छोटी प्लेट आ गई, नीचे से कुछ भी प्लेट नहीं, प्लेन है। अभी हम क्या करेंगे कि ऐसा पट्टी को खोल के फिर से एक नाखून लगा लेंगे कि पट्टी बराबर सिलाई पे ही फोल्ड हो जाएगी। ये पट्टी फोल्ड हो गई, फिर उसको हम दाब सिलाई नहीं डालेंगे इसके ऊपर। ये देखो अभी जैसे हम नाड़ा बनाते हैं उसी हिसाब से हम ये नाड़ा, ये देखो डबल फोल्ड मैंने कर दिया यहां से दोनों तरफ से, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया और फिर यहां से मैंने और फिर यहां से मैं फिर से वो बॉर्डर वाली जो सिलाई रहती है वो मैं इसके ऊपर से लगा दूंगी। हाँ उसी पट्टी का नाड़ा भी बन गया इसकी, इसलिए आप मतलब थोड़ी पट्टी आपके हाथ से अगर ज्यादा भी हो गई तो परेशानी की कुछ बात नहीं है, नाड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये नाड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाद में आपको जितना चाहे उतना रख के आप काट सकते हैं, लेकिन अगर हमने मेजरमेंट से लिया तो अच्छा ही रहेगा, ना कि अंदाज से हम ले सकते। ये देखो अभी ये इसकी लंबाई किस आधार पे ली हुई है? वो ये 3 इंच तो गले में बंधेगा, लेकिन ये तो पहले से ही हमारा तय है नाप, हमने लिया है। अच्छा। 2-3 प्लेट जाके 1 इंच कम हो गया तो वो 4 इंच रहेगा, 4 इंच से इसलिए हमने ये 2-3 इंच आगे छोड़ दिया, वो नॉट के लिए उतना ठीक है। जबले के जैसा हम पूरा ज्यादा नीचे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बच्चे कभी कभी नहीं तो वो खींच खींच के छोड़ डालते हैं, इसके लिए उधर टिप छूट गई है। आखिरी तक हम ऐसा ये सिलाई डाल देंगे। अभी ये जो छोटा है हाँ इस पर हम फिर से एक ये शेप दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या यहाँ पहले सर जाएगा, इसके ऊपर हम ऐसा करके ये देख ये हो गया। ये तो चार पांच महीने के लिए तो ये बराबर है, 10 इंच का हमने बनाया है तो बराबर। दोस्तों देख रहे हैं कितना सुंदर एक छोटा सा कैप बच्चे के लिए बनाया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल्स हैं उससे आपकी जो बेसिक जो क्वेरीज हैं, जो प्रश्न हैं वो आप शांत होंगे। इन वीडियोस के जरिए आपने किस प्रकार से कैंची का उपयोग करना है, मशीन पर कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, कैसे हाथों से सिलाई करना है, इन सब वीडियोस से आपने जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होंगे। अभी और भी बड़े वीडियोस बाकी हैं आपके लिए, आप इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।